फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और बाजार की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा कारोबार करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि सोने चांदी में कल के मुकाबले आज अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। कहाँ पे? कल के कारोबारी सत्र में कहाँ, जब सोना 1920-22 डॉलर के आसपास था, आज देख रहे हैं कि 1945 डॉलर के आसपास कारोबार करता नजर आ रहा है। बात करें यहाँ से सिल्वर की, तो सिल्वर ही 25.2 डॉलर पर ट्रेड करती नजर आ रही है। देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में लगातार तेजी ही देखने को मिल रही है। बात करें यहाँ से अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं WTI 115 डॉलर पर है और ब्रेंट क्रूड ऑयल 121 डॉलर पर। कच्चे तेल में भी देख रहे हैं कि शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। तो अब जब सोना चांदी और कच्चे तेल का बाजार लगातार तेजी की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और आगे कीमतें क्या रह सकती हैं, जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं KD एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एनसी पर। अजय जी, सबसे पहले बात करें यहाँ से अगर गोल्ड और सिल्वर की, तो गोल्ड और सिल्वर में हमने एक ही दिन में बाउंस बैक आते हुए देखा है, आज देख रहे हैं काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, क्या अब सोने में यहाँ से रैली देखने को मिलेगी एक अच्छी? देखिए, अगर सोने की बात करें तो पिछले हफ्ते पैंतीस गेट से पहले हमने दबाव आते हुए देखा जी, बट पहले जीवन से 0.25 में बढ़ोतरी की है, वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड था, एक्सपेक्टेशन से कम था, जिसके चलते हमने सोने और चांदी में एक अच्छा खासा जंप आते हुए देखा है। तो टाइमली मुझे लगता है जियोपॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू चलता रहेगा जो सोने और चांदी को सपोर्ट करेगा। रुपए में जो गिरावट लौटी है, इसका भी सपोर्ट सोने और चांदी को मिल रहा है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि इंटरनेशनल गोल्ड फिर से 1970 से 1980 का लेवल, वही चांदी 25.5 से 26 डॉलर तक का लेवल दिखा सकती है। तो डोमेस्टिक मार्केट में भी बाय ऑन ग्राउंड की रणनीति अपना के चली, युद्ध के चलते हम रोज एक नए डेवलपमेंट को देख रहे हैं, जिसके चलते मार्केट वॉलेटाइल ज्यादा है, बट बाय ऑन ग्राउंड की रणनीति अभी भी बनाते चला जा सकता है। जी, क्रूड में देखें तो क्रूड में भी लगातार तेजी देखने को मिली, कच्चे तेल की भी कीमतें काफी शानदार कारोबार कर रही हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल आज 121 डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वहीं WTI 115 डॉलर पर। आपको क्या लगता है, क्या कच्चा तेल अब यहां से और तेजी के लिए तैयार है, क्या कच्चा तेल यहां से अभी और तेजी दिखलाएगा? क्योंकि कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो हमने पहले भी कहा था जो ये इश्यू अराइज हुआ है ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। तो टाइमिंग हमें लगता है कि कच्चे तेल में रीजन से हमने देखा कि काफी देशों से सप्लाई बढ़ाने की बातें हो रही थी, खास करके ईरान, इराक, वेनेजुएला, जिसके चलते पैलेस में एक बार गिरावट जरूर आई थी, बट कहीं ना कहीं इनमें टेक्नोलॉजी कंसर्न, सप्लाई कंसर्न अभी भी बने हुए हैं, जिसके चलते हमें लगता है कि जो सप्लाई रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं इसमें टाइम लगेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इसकी वजह से प्राइस कहीं ना कहीं वापस 140 डॉलर तक का भी लेवल दिखा सकता है। नो डाउट जब तक ओपेक अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाता है, मुझे लगता है प्राइस में फिर से एक उछाल रहेगा। वॉलेटिलिटी हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि दिन में 300-400 पॉइंट की वॉलेटिलिटी बनी हुई है, बट अभी भी मुझे लगता है कि प्राइसेस 9500 तक का भी लेवल जल्द दिखा सकता है। तो शॉर्ट से बचे, अंदर से अंतिम कोई स्ट्रांग न्यूज, कोई स्ट्रांग अपडेट नहीं आता है जी, हमें क्रूड में लेके ही काम करना चाहिए जी। अजय जी, बेस मेटल्स पे आपकी क्या राय रहेगी, किस बेस मेटल में अब कहां पर कितनी कमाई देखने को मिल सकती है? देखिए, अगर बेस मेटल की बात करें तो पिछले एक साल में बेस मेटल में काफी अच्छी तेजी बनी है। उसका मुख्य कारण रहा है एक डिमांड के मुकाबले जो सप्लाई डिस्टर्बेंस है वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। रिसेंटली हमने यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई देखी है, जिसके चलते निकल, एल्यूमिनियम, इनमें हमने जबरदस्त तेजी देखी है। साथ में एनर्जी क्राइसिस के चलते भी आउटपुट में कमी आते हुए देखी है। ओवरऑल हमें लगता है कि कमोडिटी लाइक कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम अभी भी तेजी के रूप में है, क्योंकि इन्वेंट्री भी ड्रॉप है, साथ में कहीं ना कहीं सप्लाई भी ड्रॉप है। तो मुझे लगता है पूरे देश मंडल में सबसे टॉप पिक है एल्यूमिनियम,
जहाँ पे हमें लगता है कि 285 288 के बीच में मिले तो लेके चलना चाहिए, जो ऊपर में 310 312 तक का लेवल आपके रनिंग में दिखा दे। वहीं जिंक की बात करें तो कल हमने एक शानदार रैली जिंक में आते हुए देखी है। आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर है बट कहीं ना कहीं फंडामेंटल ज्यादा मजबूत है, जो अपसाइड में 350-365 तक के लेवल हम जिंक में देख पाएंगे। और लास्ट अगर कॉपर की बात करें तो मल्टीपल ऑफ टाइम 800 से घूमते हुए देखा है, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि 850-870 का लेवल फिर से दिखा देगा। तो ओवरऑल बेस मेटल के अंदर बाइंग करके ट्रेड करना चाहिए। जी अजय जी, टॉपिक्स कितने चाहेंगे आप नॉन एग्री कम्युनिटीज में? नॉन एग्री कमोडिटी में देखिए, वैसे भी अगर हम सोने चांदी की बात करें तो वॉल्टेजी तो बनी हुई है, बट हमें लगता है कि गोल्ड में अभी भी बाइंग की जा सकती है। अगर 51,500 तक का लेवल मिलता है तो हम बाइंग करके चलेंगे, जो अपसाइड में 52,500 तक का लेवल मिलेगा। बाकी ध्यान देने वाला चीज है वो बेस मेटल है। बेस मेटल के अंदर एल्यूमिनियम 285-288 के करीब लेके चलिए, जो 310 तक का लेवल दिखा सकता है। एनर्जी में भी तेजी जरूर है बट कहीं ना कहीं अभी वॉल्टेजी इतनी ज्यादा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। तो आई थिंक गोल्ड, एल्यूमिनियम और मैक्सिमम कॉपर, इन तीन कमोडिटी में हम इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की, यहाँ सब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की, जानेंगे अजय जी से कि एग्री कम्युनिटीज में कहाँ कहाँ कमाई के मौके हैं। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले ग्वार कॉम्प्लेक्स से। अजय जी, जैसा आपने बताया था कि ग्वार गम ग्वार सीड में अब यहाँ से धीरे धीरे तेजी बनना शुरू हो जाएगी, ठीक वैसे ही हम अब होते हुए भी देख रहे हैं। ग्वार गम का अप्रैल वायदा देख रहे हैं 11,300 के ऊपर है, और ग्वार गम के अप्रैल वायदा को हमने बीते दो ट्रेडिंग सेशन पहले 11,500 पर भी ट्रेड करते हुए देखा था। वहीं ग्वार सीड का अप्रैल वायदा 6100 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो अजय जी, अब यहाँ से आपको क्या लगता है, आज कुछ हल्की हल्की करेक्शन आई है तो क्या करेक्शन यहाँ से अभी थोड़ी बढ़ जाएगी या फिर इन लेवल से जो रैली है वो आगे एक्सटेंड होगी? देखिए, मुझे लगता फंडामेंटल ग्वार के काफी शानदार है। पहले जैसे मैंने आपके चैनल पे बताया था कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स में ग्वार में काफी मंदी में था। इनफैक्ट हमने पिछले हफ्तों में 5600 का लेवल भी ग्वार सीड में बनते हुए देखा था। बट अब जिस ढंग से रशिया से यूएस ने मना किया है कि हम तेल नहीं लेंगे और खुद के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, तो आई थिंक 13 मिलियन बैरल तक के प्रोडक्शन पहुंचने की उम्मीद है IEA की भी, जो कहीं ना कहीं ग्वार को सपोर्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, जो पिछले एक हफ्ते में तेजी आई थी, 5600 से हमने 6300 तक का एक बाउंस देखा था। अब मुझे लगता है कि प्राइस में सब कंसोलिडेशन है, बट अगर कोई 2 से 3 महीने की अवधि के लिए प्लान करके बाइंग किया जाए तो करंट लेवल 6100 काफी शानदार है, यहाँ पे लेके चलिए। जो अपसाइड में हमें लगता है कि करीबन 6550 का पहला लेवल है जो अप्रैल अंत तक छोड़ेगा, और एक बार ये लेवल ब्रीच हो जाता है तो हाई साइड में हमें लगता है कि 8000 तक का भी लेवल हम अगस्त तक प्राइस में बनते हुए देख पाएंगे। जी ये सर जी, बात करें अगर मसालों की तो मसालों में आपने जब तेजी बताई थी तो हमने काफी अच्छी तेजी भी मसालों में आते हुए देखी। उसके बाद फिर आपने बता दिया था कि मार्च के महीने में अराइवल्स का महीना रहेगा तो मसालों में हल्की नरमी भी रहेगी, तो वैसा ही हम कारोबार अब मसालों में होता हुआ देख भी रहे हैं। जैसा आपने बताया था धनिये में हमने थोड़ा नरमी आते हुए देखी है, जीरे में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, कभी मार्केट तेज जा रही है कभी मार्केट नीचे जा रही है। वहीं हल्दी में भी 8300 तक के लेवल्स देखने को मिल चुके हैं। तो ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि मसालों का जो कारोबार है ये कब तक ऐसे ही उठापटक सीमित दायरे वाला रहेगा? देखिए, ओवरऑल जैसे मैंने मसालों में 20 फरवरी तक तेजी बताई थी और हमने जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी। नो डाउट हल्दी में गिरावट जैसा उम्मीद था वैसा इनलाइन आया, 8-3% तेजी में दिखा दी, बट 8500 हमने टेस्ट कर चुके हैं। धनिया भी ऑलमोस्ट समझो 11 घूम रहा है पिछले एक महीने से, बीच बीच में ड्रॉप जरूर दिखा है, जीरो में थोड़ी बहुत रिकवरी आई है बट 22,000 के नीचे है। बट मुझे लगता है कि अभी भी कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि करंट लेवल से अगर आप लेंगे भी तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी। टाइमिंग मुझे लगता है अराइवल, एक्सपोर्ट डिमांड और साथ में कोरोना का जो कंसर्न चाइना में बना है, इसका इंपैक्ट इंडिया में भी अगले 15 दिन में दिखाई देने लगेगा। और हाई लेवल पे कोई भी स्टॉक नहीं कर रहा, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही माल ले रहा है। इन सबको देखते हुए मैं ये नहीं बोलता हूँ मैं मसालों में मंदी में हूँ, मसालों में टाइमिंग महीना डेढ़ महीना थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए करंट लेवल से। तो मुझे लगता है जीरे में करीबन 19-19.5 की रेंज में, धनिया 9-9.5 की रेंज में और हल्दी 8200 के रेंज में, ये लेवल तो मिले तो आई थिंक वो फेयर प्राइस रहेगा लेने के लिए। जहां हम देखते हैं कि मिड ऑफ द ईयर मतलब जुलाई अगस्त सितंबर तक की बात करें हम लोग, तो हल्दी करीबन 10-10.5 हजार से 12 हजार का लेवल,
भी दिखा सकता है, धनिया ऊपर में 16-18 हजार भी दिखा दे, जीरा ऊपर में 25 अभी भी दिखा दे, बट करंट लेवल से अगर आप बाय करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, बेटर है करंट लेवल से बाइंग करना, अवॉइड करना चाहिए। जी यही सर जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने बीते ट्रेडिंग सेशन में अच्छी तेजी आते हुए देखी है, आज भी देख रहे हैं वो तेजी कायम है, 3303 पे क्लोज हुआ था, लेकिन आज 1% की मुनाफा वसूली भी आई है, ऐसे में आपको क्या लगता है मुनाफा वसूली यहाँ से बढ़ जाएगी या फिर जो कीमत है यहाँ से बिनौला खल की वो आगे बढ़ेगी? देखिए मेरे को कोई भी कारण ऐसा नहीं लगता कि जिसमें कॉटन और कॉटन सीड ऑयल की में इमीडिएट फॉल आए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरा उम्मीद है 4000 तक का लेवल मार्च में दिखा दे, मार्च के खत्म होने के लिए 6 दिन रह गए हैं, थोड़ा बहुत मार्केट में कंसर्न, हम बोल सकते कंसर्न है डिमांड को लेकर, बट देखिए समझिए कि मार्च 1 तारीख से ही, क्योंकि हमने उम्मीद की थी कि दिसंबर में दूध के भाव बढ़ेंगे और उसका कैस्केडिंग इफेक्ट हमें मार्च तक 4000 तक का लेवल दिखा देगा, बट इलेक्शन के चलते बजट के चलते हमने देखा कि ये जो दूध के भाव जो बढ़े वो 1 मार्च के ही बढ़े हैं, तो थोड़ा बहुत लेवल ही अभी हम बोल सकते हैं कि डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव होगी, और इसी चलते हमने देखा जो हमने रेंज बताया था कि 3000 के नीचे नहीं जाएगा, 3400 के ऊपर नहीं जाएगा, और प्राइस आज भी उसी रेंज में ट्रेड करा है। एक चीज ध्यान रखना, 15 अप्रैल मैक्सिमम मुझे लगता है कि एक अपसाइड का पीरियड रहेगा, मतलब करीबन 15-20 दिन बाकी है, इस 15-20 दिन में जो तेजी दिखाएगा, मे भी 3800 दिखा दे, मे भी 4 दिखा दे, मे भी 3600 दिखा दे, ये रेंज दिखेगा जरूर, बट 15 के बाद मार्केट थोड़ा स्टैग्नेंट हो जाएगा। मैं मंदी का कॉल अभी भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तेजी की ही बात कर रहा हूँ, बिकॉज एक तरफ आप देखिए क्रूड की तेजी की वजह से कॉटन में जबरदस्त तेजी है, वहीं ऑयल के सेक्टर में भी कंटिन्यू तेजी बनी हुई है, दूध के भाव बढ़ चुके हैं, इकोनॉमी डोमेस्टिक मार्केट की ओपन अप है, खाली मेंटेलिटी जो फिजिकल ट्रेडर्स में है वो ये है कि ये ऊंचे भाव है इधर लेना नहीं है, जबकि मुझे लगता है कि 100 रुपए की तेजी जब भी दिखा दे इमीडिएटली हाजिर में भी बाइंग आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि 3-4 दिन की तेजी के बाद आज मार्केट 0.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, अगर 3240 की रेंज में मिले बिल्कुल लेके चलो, एक बार 3340 का लेवल तोड़ने दीजिए आप देखेंगे 200-250 रुपया आपको 2 दिन के अंदर ही तेजी दिखा देगा, तो ओवरऑल कॉटन सीड ऑयल केक में बने रहिए, तेजी का रुख है, कॉटन में भी तेजी का रुख है। जी अजय जी, कॉटन में भी हमने तेजी बनते हुए देखी है बिनौला खल के साथ साथ, कॉटन भी 41,000 के ऊपर ट्रेड करती नजर आ चुकी थी, आपने 42,000 का लेवल दिया था, तो उसके बीच में तो ट्रेड करती नजर आ चुकी है, आपको क्या लगता है अगर तेजी ऐसी है कायम रही तो क्या कॉटन इसके भी पार जा सकती है? ठीक है, मेरे को कोई भी एक कारण ऐसा लग नहीं रहा है कि मंदी आ जाए कॉटन में। जी कुछ लोगों से मैंने ये सुना है कि इस बार बंपर स्विंग होने वाली है, बट मुझे लगता है 24 फरवरी के बाद जो ये स्विंग की बातें हैं ये भी चेंज हो गई है, बिकॉज आप एक चीज सिंपल समझिए कि जिस ढंग से गेहूं के भाव बढ़े हैं, मक्के के भाव बढ़े हैं, सोयाबीन जो इंटरनल क्रॉप है इनमें तेजी आई है, तो वो एक लुक्रेटिव बनते हुए दिखाई देगी कॉटन के मुकाबले, तो हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में एरिया अंडर कल्टीवेशन में अगर हम बात करें तो कॉटन के अलावा दूसरी क्रॉप पे जा सकता है, जिसकी वजह से एरिया वापस टूट सकता है, बट इट इज टू अर्ली टू से, बेटर 15 अप्रैल तक का वेट करना चाहिए, बट टेक्निकली अगर देखें तो क्रूड की तेजी की वजह से मैनमेड फाइबर मतलब पॉलिस्टर इनमें तेजी बनी हुई है, और इसकी तेजी कहीं ना कहीं कॉटन को भी सपोर्ट कर रही है, आज 0.5% की गिरावट है क्योंकि कल की तेजी के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, हो सकता है मार्केट में 500-700 पॉइंट की अगर गिरावट मिलेगी लेके चलिए 52 आपको दिखा देगा, बट 10-15 अप्रैल तक ही ये तेजी है, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट कर देगा। जी ये सर जी, बात करें अगर हम कैस्टर की, तो कैस्टर में हम देख रहे हैं कि 7200-7300 के लेवल्स पर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है कब तक कैस्टर में और ऐसे ही सीमित रहने वाला कारोबार रहेगा? देखिए कैस्टर के अंदर हमने देखा कंसोलिडेशन का पीरियड चल रहा है, जिसम से क्रॉप चार्ट है हमने तेजी भी देखी और बेहतर तेजी, मतलब 6200-6400 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट था, उसके ऊपर हमने 73-74 पे आ गया है, अब मार्केट थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है, बट फंडामेंटल काफी मजबूत है, इसके भी जब तक प्राइस 7000 का लेवल ब्रीच नहीं करता है हमें लगता है 7500-6600 का तो इमीडिएट टारगेट, बट 8000 तक भी पहुंच जाएगा ये, बट स्लोली एंड स्टडीली चलेगा, अभी 7-8 दिन की जो अराइवल प्रेशर है जिसकी वजह से मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, बट ओवरऑल बाय एंड ड्रॉप की रणनीति अपनाते चलिए, अभी भी ये कमोडिटी के अंदर तेजी का रुख कायम रहेगा। जी जी एडिबल ऑयल में क्या लग रहा है आपको? देख रहे हैं कि तेल तिलहन में तेजी तो देखने को मिल रही है, और सोयाबीन भी, यूएस सोयाबीन फ्यूचर भी काफी तेज हुआ है, $1700 के ऊपर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है सोयाबीन, सीपीओ, रिफाइंड सोया ऑयल, इनमें अब कितनी मंदी तेजी बाकी है?
देखिए मंदी के कारण तो मेरे को कोई ऐसे जल्दी दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि देखो इंडोनेशिया ने भी क्लियर कर दिया कि हम B30 B40 वाले जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू रखेंगे। सेकेंडली अगर आप तेल के भाव देखो वो भी तेज चल रहे हैं, जिसके चलते बायोफ्यूल की डिमांड कंटिन्यू बनी हुई है। तो डोमेस्टिक मार्केट में जो अभी थोड़ा ड्रॉप लग रहा था वो इंटरनल क्रॉप की वजह से था मस्टर्ड का। तो आई थिंक जब तक क्रूड के भाव में कमी नहीं आती है ना, आई थिंक कोई भी ऐसी मंदी हमें दिखाई नहीं दे रही है। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। हाँ, ऊंचे भाव की वजह से हमारा मानक ऐसा बन चुका है कि भाव बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, अभी हमको नहीं बाय करना चाहिए। बट आप देखिए, आज सोना है, सोना 52,000 का भाव आ चुका है, आपने बाय नहीं किया, जिसका मतलब ये थोड़ी कि सोना नहीं बढ़ेगा। सोना अपने फंडामेंटल पे बढ़ रहा है। तो सिमिलरली ऑयल में अभी भी तेजी है, पॉलिट्री इंडस्ट्री से भी डिमांड सोयाबीन की बढ़ना चालू हुई है, रिकवरी चालू हुई है जी। और चाइना भी पिछले हफ्ते में अपने कुछ कोटा को रिवाइज किया था। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि ऑयल सेक्टर अभी भी तेज है। खाली क्रूड पे ध्यान रखते हैं, क्रूड में तो बड़ा मटेरियल फॉल आ जाता है, उसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, अदरवाइज ट्रेंड पॉजिटिव है जी। यही सर जी, बात करें अगर वीट की, तो हमने वीट गेहूं की प्राइसेस भी काफी ज्यादा तेज होते हुए देखे हैं, इंडिया में भी लगातार बैठकें हो रही हैं सरकारी स्तरों पर भी कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, और हमने एक्सपोर्ट होते हुए भी देखा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, भारत में जो इस समय वीट की कीमतें हैं और इंटरनेशनल मार्केट में वीट की जो कीमतें हैं, क्या भारत कम्पीट कर पाएगा और क्या वीट के प्राइसेस थोड़े और बढ़ पाएंगे अभी? देखिए, पहला चीज है हमारा बफर स्टॉक जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पिछले 3 साल से हमने वीट का काफी बड़ा माल लेके रखा था, जिसकी वजह से हमने देखा था प्रोड्यूसर कंटिन्यू दबाव था। अब जैसे कि हम जानते हैं कि यूएस अपना रशिया और यूक्रेन का जो कंसर्न है वो कहीं ना कहीं इंडिया पे ज्यादा निर्भर है, क्योंकि इंडिया के पास स्टॉक काफी अच्छा है, ईटी के ऊपर का है, गवर्नमेंट इंसेंटिव भी दे रही, रुपए में गिरावट की वजह से हम अट्रैक्टिव लेवल पे भी है। तो आज एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हम वीट का पहली बार होते हुए देखेंगे। इनफैक्ट कल के सेशन में हमने देखा मोदी जी ने एक ट्वीट भी करके बताया था कि हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज की हम एक्सपोर्ट की बात करें तो 400 बिलियन पहुंच चुका है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि इस बार एग्री एक्सपोर्ट काफी स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि हमारे पिछले 3 साल से जो फूड ग्रेन्स हमारे प्रोडक्शन है वो काफी अच्छे थे। तो आई थिंक एक बार जो नया फसल आ रहा है उसकी वजह से प्राइजेस थोड़ा करता हुआ दिखा है। बट कहीं पर भी अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में, मुझे लगता है अगले 3 साल मैंने काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे और भाव में तेजी का रुख ही रहेगा, कोई मंदी का नहीं। करंट मार्केट से भी लिया जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है, बट व्यू 3 से 4 महीने का लेके चलिए तो प्रॉफिट बनता हुआ दिखेगा जी। अजय जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगे आप एग्री कमोडिटीज में? देखिए, एग्री कमोडिटी की बात करें तो मुझे सबसे अच्छा पहला है गवार। गवार में 6100 पे लेके चलिए, अप्रैल वाइजा 5900 का सपोर्ट रखिए, 6400-6500 का इमीडिएट टारगेट है, बट आगे जाके 7000 का भी लेवल तोड़ देगा। वही दूसरी कमोडिटी है मेंथा ऑयल। मेंथा ऑयल अप्रैल वाइजा 1075 का भाव चल रहा है, करंट लेवल से लेके चलिए, 1130 का टारगेट रहेगा, 1040 के स्टॉप लॉस है। और लास्ट है कॉटन सीड ऑयल के, जो 3550 पे लेके चलिए, 3150 का स्टॉप लॉस रखिए, 3400 का इमीडिएट टारगेट और 3400 का ब्रेकआउट आने पे 3500 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसे ट्रेड करता नजर आ रहा है, कमोडिटी बाजार में किस कमोडिटी में कमाई के मौके हैं और उस पर एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।